हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा। ऐसा पोहा जो आपने कभी नहीं खाया होगा, एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से पोहा बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप पोहा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला पोहा यूज़ किया है। सबसे पहले हम पोहा को छान लेंगे, जिसके लिए मैंने एक चलता बर्तन लिया है, और छानने के बाद हम इसे धो लेंगे। धोने के लिए हम एक फ्लो में पानी गिरा देंगे, जिससे पोहा अच्छी तरह से भीग जाए और पानी जो है वो नीचे से निकल जाए। अगर हम इसे पानी में छोड़ देंगे तो यह ज़्यादा फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने एक रनिंग वाटर में इसे धो लिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चीनी। आप इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे। अब हम पोहा को मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए पोहा को इसी तरह छोड़ देंगे। जब तक हम पोहा के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच तेल डाला है। सबसे पहले हम लो मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। देखिए मूंगफली रोस्ट हो गई है, तो मैंने इन्हें एक कटोरी में निकाल लिया है। अब मैंने इसी तेल में 1/2 चम्मच राई डाली है। अब हम राई को चटकने देंगे। जब राई चटक जाए तब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का आलू पतला काट कर डाल देंगे। आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। साथ ही में मैंने 7-8 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। जब आलू फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1 बड़ा प्याज काट कर डाल देंगे। प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डाला है। ध्यान रहे, जब हमने पोहा भिगोया था तब हमने उसमें 1/2 चम्मच नमक और डाला था। अब मैं इसमें एक छोटा टमाटर बारीक काट के डाल रही हूँ। हमें टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमें इन सबको मिक्स करना है। अब मैं इसमें भीगा हुआ पोहा डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हमने पोहा भिगोया था तब हमने 1/4 चम्मच हल्दी यूज़ की थी, जिससे पोहा में बहुत ही सुंदर रंग आएगा। अब हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब मैं इसमें हरा धनिया बारीक काट कर डाल रही हूँ। अब हम हरे धनिया को मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर से पैन का ढक्कन लगाकर रख देंगे। पोहा बनकर तैयार है। चलो आइए इसकी अब प्लेटिंग करते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करने के लिए मैंने लिया है टमाटर। प्याज बारीक कटे हुए, थोड़े से अनार के दाने, मूंगफली के दाने जो हमने रोस्ट किए थे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैं इसमें 2 तरह की मिक्स नमकीन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आलू भुजिया या सेव यूज़ कर सकते हो। अति टेस्टी और हेल्दी पोहा बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।